हाय दोस्तों, मैं नासिक सर आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आता हूं, डेली वाइज करंट अफेयर का वीडियो। तो आज हम 16 और 17 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। कब के बारे में? 16 और 17 दिसंबर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने ये नया वीडियो चैनल बनाया है, इसमें हमारे पास सब्सक्राइबर है ही नहीं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम वीडियो इस तरह से लगातार बनाते रहेंगे। हमें एक सब्सक्राइबर से कोई पैसे नहीं लगते हैं लेकिन हमें हौसला ज़रूरी मिलता है। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 16-17 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना और कजाकिस्तान की सेना मेघालय में संयुक्त सेना अभ्यास कर रही है। कहाँ की सेना? भारतीय सेना और कजाकिस्तान की सेना मेघालय में संयुक्त अभ्यास कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना नया मुख्य वैज्ञानिक घोषित किया है। कौन सा मुख्य वैज्ञानिक यानी चीफ साइंटिस्ट घोषित किया है? सोशल डेमोक्रेटिक लीडर मेटे फेडरिकसन। सोशल डेमोक्रेटिक लीडर मेटे फेडरिकसन एक बार फिर से डेनमार्क की प्रधानमंत्री बन गई है। कौन? मेटे फेडरिकसन एक बार फिर से डेनमार्क की प्रधानमंत्री बन गई है, जो कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं। स्पाइस जेट ने हाल ही में GMR दिल्ली एयरपोर्ट को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। स्पाइस जेट ने हाल ही में GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। रूस पहली बार नवंबर 2022 में इराक के जगह भारत के लिए एक शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। रूस पहली बार नवंबर 2022 में इराक की जगह भारत के लिए एक शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। स्पाइस जेट ने दिसंबर 2022 में वार्षिक GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड में सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। कौन? स्पाइस जेट, जो कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये दो जगह है। तो मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को गौर से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री 14 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन समारोह में शामिल हुआ। कौन? प्रधानमंत्री 14 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद के प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन के समारोह में शामिल हुआ। भारतीय सेना के एरावत विभाग ने दिसंबर 2022 में पंजाब के व्यापक बाधाग्रस्त इलाके में एक्स सच्चार बोध का आयोजन किया। भारतीय सेना के एरावत विभाग ने दिसंबर 2022 में पंजाब के व्यापक बाधाग्रस्त इलाके में एक्स संचार बोध का आयोजन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, उसने इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। कौन से संस्करण का? 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2022 दिसंबर को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल के रूप में 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। कौन सी बैठक की? 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। किसकी? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की। भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं मेघालय के उमरोई में संयुक्त रूप से KAJIND मतलब KAZ से हो गया कजाकिस्तान, IND से हो गया इंडिया, कजाकिस्तान इंडिया नामक प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन कर रही है। कहाँ पे? मेघालय में। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL ने दिसंबर 2022 में दो डिजिटल प्रथम बॉन्ड ओजीवा और वेल बीइंग न्यूट्रिएशन का अधिग्रहण किया है। किसका? ओजीवा और बेल बीइंग न्यूट्रिशन का अधिग्रहण किया है। भारत ने कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष रैंक हासिल किया है। भारत ने कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वीं अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष रैंक हासिल किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर राजीव चंद्रशेखर 13 से 15 दिसंबर 2022 को दुबई ऑल इंडिया ग्लोबल फोरम में भाग लिया है। भारत 9 से 14 वर्ष की आयु के लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्वविवेक नामक अपना क्वाड्रीवेलेंट टीका लॉन्च करेगा। कौन सा टीका लॉन्च करेगा? क्वाड्रीवेलेंट टीका लॉन्च करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने 14 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया है। विक्टर एक्सेलसन ने 11 दिसंबर 2022 को बैंकॉक में सीजन की समाप्ति वाले वर्ल्ड टूर फाइनल
इंडोनेशिया एंड एथंगी गिटिंग को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है। कौन? विक्टर एक्सेलसन ने 11 दिसंबर 2022 को बैंकॉक में सीजन की समाप्ति में वर्ल्ड टूर फाइनल में इंडोनेशिया के एंटनी गिटिंग को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है। कौन सा? पुरुष एकल का खिताब जीता है। पुरुष का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसन ने 11 दिसंबर 2022 को जीता है, जो कि कहाँ हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। एक उल्लेखनीय कदम के रूप में न्यूजीलैंड ने एक नया तरीका अपनाकर 1 जनवरी 2009 या उसके बाद में पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी 1 जनवरी 2009 या उसके बाद, यानी 2010, 2011, 2012 कहीं पर फरवरी मार्च 1 जनवरी के बाद जो भी बच्चे पैदा होंगे उसको सिगरेट बेचना या फिर उसको खुद बेचना, मतलब सिगरेट उस बच्चे को जो बेचेगा या फिर वह बच्चा सिगरेट बेचेगा, इस पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने 14 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। किसने? भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने 14 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं को 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 16वें संस्करण सूर्य किरण X-15, मतलब X-16 है ये, X-16 नहीं है ये, 16वें है। कौन सा है ये? 16वें है। 16 को इसमें कैसे लिखा जाता है? तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया 17 हो गया, ये हो गया 16 हो गया। कौन क्या हुआ? ये 16 हो गया, अगर इसमें एक और डालेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16वें सूर्य किरण 16वें आयोजित किया है, जिसको 16 से 29 दिसंबर 2022 को नेपाल में सलझंडी नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आज से आयोजित किया जाएगा, ठीक है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 16वें संस्करण सूर्यकिरण 16 आयोजित किया जा रहा है। 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल में सलझंडी नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आज से आयोजित किया जाएगा, मतलब 15 नवंबर से आयोजित हो रहा है, 16 से 29 दिसंबर तक, यानी 16 नवंबर से आयोजित हो रहा है। चलिए ठीक है, हमारा वीडियो कैसा लगे? आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ये मेरा न्यू चैनल है, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे सपोर्ट की बहुत जरूरी है। चलिए यहीं से बंद करते हैं, ओके बाय। हाय दोस्तों, मैं नासिक्स आप सबको कुर्बानी में कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो देख रहा था। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब